नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना इस्तीफा एक सामान्य पत्र पर लिखकर भेजा है। इस्तीफे में उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को संबोधित करते हुए लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 सालों तक आपके पीछे पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजनों ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी में रामा सिंह की एंट्री की खबरों को लेकर नाराज चल रहे थे और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध भी किया था। यही वजह है कि रामा सिंह को अभी तक आरजेडी में जगह नहीं मिल सकी है। लालू के करीबी और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापकों में से एक रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया है। रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने का दौर जारी था। रघुवंश प्रसाद सिंह ने वैशाली के अपने प्रतिद्वंदी एलजेपी नेता और पूर्व सांसद रामा सिंह को पार्टी में शामिल किए जाने की खबरों के बाद इस्तीफा दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान भी कहा था कि वो इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। उधर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना एक लोटा जल से कर दी, जिसके बाद लालू ने बेटे को तलब कर फटकार लगाई थी। बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की सेहत बिगड़ने के बाद उनको दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अभी उनकी हालत स्थिर है, उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। रघुवंश प्रसाद सिंह जून में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। संक्रमित होने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह का इलाज पटना एम्स में चल रहा था, जहां से वो ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए थे। इसके बाद उनको निमोनिया हो गया था, जिसके इलाज के लिए वो दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। वहीं उनकी हालत बिगड़ने लगी तो आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उनकी सेहत बिगड़ने की खबर पाकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव चिंतित बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, रघुवंश प्रसाद पार्टी का जिस तरह से संचालन किया जा रहा था उससे खुश नहीं थे और इस बारे में उन्होंने साल की शुरुआत में लालू को लेटर भी लिखा था। लालू यादव को लिखे एक पत्र में रघुवंश प्रसाद ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहाल करने के अलावा पार्टी को और ज्यादा आक्रामक बनाने का सुझाव दिया था। पत्र को पढ़ने से दो बातें साफ हुई थी। एक, वो राज्य इकाई की कमान संभाल रहे जगदानंद सिंह के कार्यशैली से खुश नहीं थे। दूसरा, तेजस्वी यादव की राज्य की राजनीति से अनुपस्थिति पर भी उन्होंने अपना नाराजगी जाहिर किया था। रघुवंश ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि राज्य सरकार को घेरने के लिए ना कोई ढंग का बयान दिया जाता है और ना ही संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।